हाय गाइस, आज हमने एक और प्रोडक्ट ऑर्डर किया है हमारे कस्टमर के लिए। सोप डिस्पेंसर नाम है इस प्रोडक्ट का, और एक ये कस्टमर ने दो क्वांटिटी मंगवाया है, जिसमें आप देख सकते हो बॉक्स को यहाँ से कट करना है हमें, और ऐसे दो बॉक्स कस्टमर को दिए जाएंगे। तो आपको भी अगर प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट करिए, और साथ में जो आपका प्रोडक्ट लगता है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमसे चैट के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप की लिंक भी आपको मिल जाएगी, या फिर जो लिंक जिसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हो वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को ओपन, मतलब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं। देखिए, इस साइड से ओपन का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। ये कट कर दिया मैंने, अब इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ से मेरी मैडम जा रही थी। देखिए, एक बॉक्स ये प्रोडक्ट खुल चुका है। इस प्रोडक्ट को मैं ऐसा निकालता हूँ, ये इस तरह का सोप डिस्पेंसर है। देखिए, बॉक्स में ये आएगा, इस तरह का सोप डिस्पेंसर आएगा, और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। देखिए, सभी प्रोडक्ट जो हमारे पास आते हैं वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे आपको। और ये देखिए, ये इसके साथ एक स्पंज दिया हुआ है, और ऊपर एक स्क्रबर लगा हुआ है जो कि स्क्रीन को अटैच है, और यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है जिसको अगर आप ऐसे प्रेस करोगे, ऐसे प्रेस करना है आपको। जब आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर से जो लिक्विड है, देखिए मैं अंदर से भी बता देता हूँ, जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ से वो लिक्विड ऊपर आएगा और इस पे स्पंज पे लगेगा। चाहे तो आप स्पंज पे लगाओ, चाहे तो आप स्क्रबर पे लगाओ, आपके ऊपर है, आप स्पंज पे लगाओ और उसको बर्तन के लिए यूज़ करो। तो इस तरह का प्रोडक्ट है, इसको मैं अगर आपको खोल के बताऊँ तो इस तरह का रहेगा। देखिए, इसमें आपको खोलना है और इसमें लिक्विड डाल देना है, जो भी आपका वॉशिंग के लिए लिक्विड आप यूज़ कर सकते हो करते हो वो लिक्विड इसमें डाल दीजिए। और यहाँ से इस होल के थ्रो, ये जैसे आप पंच करते हो, इस होल के थ्रो यहाँ से लिक्विड जाएगा ऊपर, और यहाँ पे वो स्पंज को लगेगा, और उससे आप बर्तन को बहुत आसानी से धो सकते हो। मतलब मेनली क्या होता है, जब भी स्पंज लगाते हो तो आपकी सोप जो है वो खराब हो जाती है, या फिर लिक्विड जो है वेस्ट बहुत होता है। तो इसमें आपको लिक्विड उतना ही मिलेगा जितना स्पंज को चाहिए, और ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा। उससे क्या होगा, जहाँ जब आप प्रेस करोगे उतना स्पंज को लग जाएगा लिक्विड, आप लगा दीजिए बर्तन को, फिर से उसको ऐसा कीजिए, लिक्विड आपको वेस्टेज नहीं होगा और ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और ये एक है, कस्टमर ने दो क्वांटिटी ऑर्डर किया है, तो मैं दूसरा भी ओपन कर देता हूँ आपके आप ही के सामने। देखिए, मैंने अभी एक ओपन किया था, मैं दूसरे के लिए मैं इस तरह से कट कर देता हूँ इधर से। सेकेंड मेनली क्या होता है, देखिए आपको ये जो प्रोडक्ट मिलते हैं आप इसको कट बराबर नहीं करते हो, इसीलिए आपके प्रोडक्ट डैमेज होते हैं। आपने उसको नाइफ को हल्का सा लगाना है। आप क्या करते हो, पॉइंटर में इतना सारा ऐड कर देते हो अंदर, तो नाइफ के ज़रिए से वो प्रोडक्ट जो है डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से आपको प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो आप इस तरह से मत कीजिए, आप अदब से उसको ऐसा करिए और यहाँ से उसको ऊपर कर दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है करीब ही होता है। आप जब उसको नाइफ अगर ऐसा करते हो तो नाइफ के ज़रिए से प्रोडक्ट डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट ग्रे कलर का है मी। कि ये दूसरा प्रोडक्ट है, तो देखिए ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर, थोड़ा सा फिट होता है क्योंकि ताकि उसमें से कोई प्रोडक्ट गिरे नहीं। तो इस पन्नी में आता है, पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है, इसके साथ भी एक स्क्रबर और एक स्पंज दिया हुआ है जो कि अटैच है, और इसको भी आप सेम प्रेस करोगे तो प्रोडक्ट के साथ, मतलब इसके साथ में आपको जो भी लिक्विड आप में इसमें डालोगे वो निकल जाएगा क्लीनिंग के लिए। तो आप इसको भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और स्क्रबर के साथ जो स्पंज आ रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। और तो ये प्रोडक्ट में देखिए इस तरह से पंचिंग करना है आपको, स्पंज ये दिया हुआ है, उसके साथ स्क्रबर भी है,
आप चाहे तो स्क्रबर यूज़ कीजिए, चाहे तो स्पंज यूज़ कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ से इस तरह का शेप दिखेगा उसका, ये ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है ताकि आपका लिक्विड कितना बचा है कितना नहीं वो समझ में आ जाए। और यहाँ से आपका लिक्विड जो है ये ऊपर चढ़ेगा, तो जैसे आप प्रेस करते हो यहाँ से लिक्विड ऊपर खींचते जाएगा। वो यहाँ पे आप जितने क्वांटिटी में इसकी मतलब इसमें लिक्विड डालना चाहते हो आप लिक्विड डाल सकते हो। ये प्रोडक्ट मैं जूम करके भी बता देता हूँ आपको, जूम करके आप देख लीजिए, और इसको निकाल के बता देता हूँ, हल्के से निकल जाएगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, क्वालिटी ऐसा नहीं है कि ऐसा बैंड करने में टूट जाए, इतनी ख़राब क्वालिटी नहीं है। और सभी प्रोडक्ट जो हमारे पास आते हैं वो सभी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस जैसे और प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।